राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जमीन घोटाले मामले में आरोपी हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन बढ़ गई है। बता दूं कि जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों तक लगभग रिमांड में लेकर पूछताछ की गई थी। उसके बाद राजधानी रांची के होटवार जेल में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बंद है और आज उनकी पीएमएलए की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई है और पेशी के बाद उनके न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन बढ़ा दी गई है। बता दूं कि इससे संबंधित एक मामला है, यानी कि हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसपे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था। अब हेमंत सोरेन ने अपनी जमानत की गुहार झारखंड हाईकोर्ट में भी लगाई है और जिसको लेकर फैसला अभी तक सुरक्षित है, मामले में अभी तक फैसला नहीं आया है। उन्होंने अपनी याचिका के माध्यम से बताया है कि जो भी मामला है उस मामले में वो बेकसूर है, गलत तरीके से उन्हें फंसाया गया है और उनके अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं अधिवक्ता कपिल सिब्बल, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट होकर उन्होंने हेमंत सोरेन का पक्ष रखा था। इसके बाद ईडी की ओर से पक्ष रखा गया था और ईडी ने भी तमाम दलीलें दी थी, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित रख लिया था और अभी भी मामले को लेकर फैसला नहीं आया है। लेकिन न्यायिक हिरासत की अवधि जो है हेमंत सोरेन की बढ़ गई है और इस मामले में और भी अन्य आरोपी जो हैं उनकी भी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ी है। इस मामले की जांच ईडी अभी भी कर रही है और नए नए खुलासे जो है लगातार सामने आ रहे हैं और किस तरह से फर्जीवाड़े का मामला जो है वो ईडी लगातार उजागर कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है और जो झारखंड हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा है उसमें क्या कुछ जो है झारखंड हाईकोर्ट का निर्णय आता है। न्यूज बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ। इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। अमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए अमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।